शहर कोतवाली पुलिस ने नहीं दिया दिव्यांग को न्याय तो कलेक्ट्रेट पहुंचकर दिव्यांग युवक ने लगाई डीएम से फरियाद। मोहल्ले के एक युवक द्वारा मारपीट करने, धमकी देने और पैसे छीन लेने का आरोप लगाया। पीड़ित बोला, पुलिस नहीं कर रही मेरी कोई सुनवाई, दिव्यांग पेंशन भी मेरी दौड़ धूप में ही हो रहे खर्च। शहर के एक खुंटी चौराहा इलाके का रहने वाला है दिव्यांग। आपका? अवध बिहारी कुशवाहा। कहाँ रहते हैं? अलीगंज खूंटी चौराहा। अच्छा, क्या समस्या है, क्यों आए हो? वो शराब पी के धमकी दे रहा है। कौन दे रहा है? दीपू यादव। क्या कह रहा है? कर तुझे जान से मार दूंगा, कहीं भी जा, डीएम के पास जा, चाहे कुतवाली जा, चाहे थाना जा, हमारी वहाँ सुनवाई नहीं है कुतवाली थाना में, इसलिए हमारी साल भर से टॉर्चर कर रहा है शराब पी के मारता है चप्पल जूता से, और पैसा छीनता है हमारे, कहने लगता है लव मादर से पैसा दे शराब पीने को, नहीं तो ये जान से मार दूंगा। सब यादव एक साइड हो गए हैं। अच्छा, कब से परेशान हैं आप? हम हफ्ते भर से दौड़ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए डीएम दीदी के पास आए, यहाँ पर हमें इंसाफ मिलेगा। तो क्या कहा डीएम साहब ने? दीदी ने कहा तुम्हें यहाँ पर छोटू इंसाफ मिलेगा। ये बताइए, मिलेगा? भटक रहे हो तो पैसा कहाँ से ले आए थे, कैसे खर्च हुआ? ये बाबूजी, हमारी विकलांग पेंशन आई है, पूरी पेंशन हमने खर्चा कर दिया इसी दौड़ धूप में। फिर भी नहीं हमारी सुनवाई हो रही है। सुनवाई हो तो क्या करेंगे आप? हम ऊपर तक जाएंगे अगर यहाँ पर न सुनाई हो। क्या आपकी जान माल की वो भी है खतरा? हाँ, जान माल की खतरा है हमारी जान के लिए। 8 दिन से दौड़ रहे हैं? 8 दिन से बराबर दौड़ रहे हैं। इससे पहले भी आए थे क्या? इससे पहले हाँ आए थे। हाँ, हफ्ता भर हो गए, जब से कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या चाहते हो? इंसाफ चाहते हैं। अपडेट मीडिया के लिए बांदा से शिवानी सिंह गौतम की रिपोर्ट।